हेलो एवरीवन, दिस इज हरिंदर साहू। आप सभी लोगों का स्वागत है आप ही के चैनल किंग रिसर्च एकेडमी में। गाइस, मैं लेके आया हूं एक वेरी पावरफुल, हॉट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। यस, रॉबिनहुड ऑफ स्टॉक मार्केट, हर्षद मेहता जी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। पहला, 5,000 करोड़ का स्कैम क्या किसी एक आदमी के बस का है? दूसरा, ऐसा क्या प्रेशर और ऐसा क्या फोर्सेस थे जिसने बैंकों को मजबूर किया हर्षद मेहता के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए? तीसरा, कुछ स्टॉक्स को उन्होंने कुछ पीरियड ऑफ टाइम के अंदर रॉकेट बना दिया था, आई मीन टू से 4,000% की रैली कुछ ही मंथ्स के अंदर आपको दिखे थे। तो आप मुझे बताइए, क्या यह पॉसिबल है किसी एक बंदे के दम से, किसी एक बंदे के नाम से? प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा, सोचो, और इसका आंसर मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा। आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं अपने रॉबिनहुड के बारे में। तो इनका पूरा नाम हर्षद शांतिलाल मेहता, इनके पिताजी का नाम शांतिलाल मेहता, छोटी सी गुजराती फैमिली, जैन फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जो बीकॉम कंप्लीट करी, लाला लाजपत राय से कंप्लीट करी। उनके फादर का एक छोटा सा टेक्सटाइल का बिजनेस था जो कि फ्लॉप रहा। अब इन्होंने जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, एक लक्ष्य उनका पहले से क्लियर था, एज अ गुजराती थे भैया, और गुजराती हमेशा बिजनेस माइंडेड होते हैं, तो पहले से ईगल आई व्यू था कि मेरे को आगे चल के कुछ बड़ा धंधा करना है, कुछ बड़ा मार्केट से पैसा कमाना है। और इसी को अप्रोच करते करते उन्होंने छोटे मोटे जॉब्स करे, जिसमें उन्होंने डायमंड का भी किया, टेक्सटाइल का भी किया, उसमें इतने सक्सेसफुल नहीं, मजा नहीं आ रहा था, पैसा नहीं बना पा रहे थे। फिर अचानक से उनको स्टॉक मार्केट के बारे में कहीं से सुनाई दिया, फिर उन्होंने जॉब अपनी चेंज करी और एज अ इंश्योरेंस सेल्स एजेंट के तौर पे काम किया, वहां पे कई साल काम करने का, और पास ही में, बाजू में ही, 10 से 15 मिनट की दूरी में ही स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी स्टॉक एक्सचेंज था। तो अपने खाली टाइम पे वो एक्सचेंज जाया करते थे और वहां पे कुछ लोगों से मिला करते थे, किस तरह से मार्केट में काम होता था जाना करते थे, क्यूरियोसिटी की वजह से, क्योंकि, और वहां पे जाने के बाद उनको पूरा स्टॉक मार्केट का पिक्चर समझ में आया कि बॉस, अगर कुछ बड़ा करना है तो इसी स्टॉक मार्केट में बड़ा होगा, और यस, समथिंग कुकिंग वेरी बिग इन दिस स्टॉक मार्केट। तब उन्होंने अपना इंटरेस्ट पैदा किया और वहां से जानते जानते, सो फर्स्ट टाइम 1980 में इन्होंने एज अ जॉबर स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रखा, और उन्होंने काम किया अपने गुरु जिनको वो फॉलो करते थे, प्रंजीवन दास, यानी कि प्रसन्ना प्रंजीवन दास के अंडर में उन्होंने काम किया। वहां पे काफी सारा एक्सपीरियंस किया, काफी सारे जॉबर्स के साथ काम किया, अच्छा परफॉर्म करते थे। वहां पे उनको पूरा सिस्टम समझ में आया, पूरा फ्लो समझ में आया, किस तरीके से मार्केट में बुल काम करता है, किस तरीके से मार्केट में बियर्स काम करता है, क्या इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, अगर स्टॉक मार्केट को ऊपर लेके जाना है तो कौन से ऐसे पैरामीटर्स के ऊपर, कौन से ऐसे फोर्सेस के ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा। और उसी के बीच में उन्होंने अपना अंपायर धीरे धीरे रिटेलर्स को हाथ में लेना चालू कर दिया, क्योंकि उस लेवल पे बड़े बड़े मार्केट में ऑलरेडी प्लेयर्स थे जो कि मार्केट को कभी बढ़ना नहीं देखना चाहते थे, कभी मार्केट को ऊपर नहीं जाना देना चाहते थे, और इनका एक ही विजन था, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हम रिटेलर्स और साथ में मैं बड़ा पैसा कमाने वाला हूं। सो एज अ जॉबर्स काम करते करते उनको काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था, और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनको दिमाग में लगा, खटकने लगे कि यार, यहाँ पे तो मैं सिर्फ और सिर्फ सैलरी ले रहा हूं, अगर बड़ा सोचना है, कुछ बड़ा विजन है, तो सैलरी पे नहीं, प्रॉफिट पे काम करना पड़ेगा, और प्रॉफिट किसी के अंडर में नहीं, खुद के बिजनेस को सेटअप करके ही बन सकता है। तो उन्होंने खुद अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोला, खुद अपना ट्रेडिंग अकाउंट लेने के बाद वहां पे धीरे धीरे उन्होंने अपना ग्रो किया, धीरे धीरे पैसा बनाया, काफी सारे उसके मीनवाइल तब तक उन्होंने काफी सारा अपना नाम गैदर कर लिया था, काफी छोटे छोटे रिटेलर्स ने उसके पास काम करना चालू कर दिया, एज अ वो जॉबर्स भी थे पहले, तो जॉबर्स का भी ट्रस्ट उन्होंने जीत लिया था। अपने कुछ स्टडीज करते थे, रिसर्च करते थे, जो कि
हमारा न्यूज ट्रिक्स पे काम करते हैं, जैसे रेनी सीजन पे कौन से स्टॉक्स काम करेंगे, आपका मानसून सीजन पे कौन से स्टॉक्स काम करेंगे, उनके ऊपर उसने इन्वेस्ट किया और अच्छा खासा पैसा भी बनाया। इतने देर में जो बड़े बड़े मार्केट के पहले से जो चलते आ रहे थे बीयर्स थे, उन्होंने बीयर्स अटैक किया और मार्केट पूरा क्रैश हुआ। क्रैश होने में उनके भी करीब करीब 9 से 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, साथ में उनके साथ जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनका भी, छोटे छोटे रिटेलर्स उनका भी नुकसान हुआ। तो सबका नुकसान हुआ, ये कौन सा बचने वाले थे, 9 से 10 लाख का इनका भी नुकसान हुआ। फिर थोड़ा सा ये बैकस्टॉप हुए, थोड़े से उदास हुए, उदास होने के बाद इनकी बीवी ने और इनके भाई ने इनको मोटिवेशन दिया और इन्होंने बोला आप टेंशन मत लीजिए, पैसा पूरा ड्यूज जो 10 लाख का उधार हो गया था, 10 लाख का लॉस था, पूरा का पूरा ड्यूज जिसके कारण ट्रेडिंग अकाउंट भी बंद हो गया था, पूरा का पूरा ड्यूज इसके भाई ने और बीबी ने चुका दिया। फिर गुजराती माइंड चालू, रेस्ट फ्री हो गया, डेथ फ्री हो गया, अब क्या करना है, अब फिर कुछ बड़ा विजन के साथ लेके चले कि ये तो बीयर अटैक हुआ है, ये हुआ क्यों, मैंने तो प्रॉपर रिसर्च करी थी, मैंने तो प्रॉपर एनालिसिस करी थी, सब कुछ बढ़िया था बट स्टिल नुकसान हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी खुद की रिसर्च ओपन कर ली, जो कि 1987 में उन्होंने ग्रो मोर के नाम से अपनी रिसर्च फर्म चालू करी और उसमें वो एडवाइस देते थे और एडवाइस देते देते उन्होंने काफी सारे थोड़े अपने 4 साल के करियर, यानी कि मान के चलो 1990 तक बड़े बड़े प्लेयर्स उनकी रिसर्च के ऊपर काम करते थे, उनके रिसर्च के ऊपर पैसा लगाते थे और उन्होंने उस पीरियड में 3 से 4 साल का जो पीरियड था अमिताभ का खिताब पा लिया था, यानी कि स्टॉक मार्केट के एबी, स्टॉक मार्केट के बिग बॉस, स्टॉक मार्केट के अमिताभ बच्चन से उनको नाम जाना गया था। और इस दौरान में उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, अपनी लग्जरी लाइफ का, उनकी महत्वाकांक्षा जो लग्जरी लाइफ को जीना था वो उन्होंने फुलफिल किया। और इन्होंने उस जमाने में सोच के देखिए, 90s की बात कर रहा हूं, 90s में मुंबई में 15,000 square feet का बड़ा आलीशान बंगला खरीदा, पेंट हाउस खरीदा और वहां पे स्विमिंग पूल एंड गोल्फ कोर्स ब्यूटीफुल और साथ ही साथ 12 से 15 स्पोर्ट्स लग्जरी कार, वो भी उन्होंने अपना अंपायर खड़ा किया। जब उन्होंने अपना अंपायर खड़ा किया, धीरे धीरे वो मार्केट में हर न्यूज में फ्रंट पेज पे मैगजीन्स के अंदर आने लगे और उनको अभी भी भूख खत्म नहीं थी क्योंकि उनका विजन क्लियर था, मुझे नंबर 1 स्टॉक मार्केट में बनना है। तो अभी भी वो उनका भूख शांत नहीं हो रही थी, वो सोचते और मार्केट में, और वो एक ही अपॉर्चुनिटी देखते थे कि स्टॉक मार्केट सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए बना है, स्टॉक मार्केट सिर्फ ग्रोइंग के लिए बना है, उन्होंने बियर फेस नहीं देखा था। वो सोचते थे कि नहीं, अगर हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारा इंडियन मार्केट बढ़ेगा और इंडियन मार्केट बढ़ेगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, हमारे इंडिया को ग्रोथ होगा। तो इसके बेसिस पे सिर्फ उन्होंने एक ही फोकस करा, अगर मैं स्टॉक मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा, डिमांड लेके जाऊंगा, तो भैया सब ग्रो करेंगे, छोटे ट्रेडर्स और बड़े ट्रेडर्स जितने भी हैं सबके सब ग्रो करेंगे। तो उनकी एक फेवरेट स्ट्रैटेजी थी पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी। उस पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी को गाइस आपने सुना होगा, मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर करता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। तो मजे की बात मैं आपको बताता हूं, हमारे एचएम साहब पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी को यूज करते थे, यानी कि पैसा एक बल्क में लगाते थे, लोगों से इन्वेस्ट करवाते थे, रिटेल से बड़े बड़े प्लेयर से इन्वेस्ट करवाते थे और उस स्टॉक को रॉकेट बना देते थे विद इन पर्टिकुलर स्पैम ऑफ पीरियड में। यानी कि मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं, ACC का आपने सुना होगा, ACC को 200 रुपए से 9,000 के लेवल, वो भी 3 महीने में, ऐसा क्या ग्रोथ हो गया, ऐसा क्या वैल्यूएशन आ गया, ये सबको खटकने लगा। और ऐसा एक स्टॉक नहीं, उन्होंने उनका एक सिद्धांत था, कचरे कचरे स्टॉक्स को उठाते थे जिनका कोई वैल्यूएशन नहीं होता था, बिल्कुल छोटे छोटे स्टॉक्स को उठा के, पहले स्टॉक्स को उठा के उसके अंदर पैसा लगाते थे, उसके बाद न्यूज को स्प्रेड कराते थे अपने जॉबर्स के माध्यम से, वहां पे पैसा पंप होता था, स्टॉक प्राइस चढ़ने लगता था और ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट वो बुक कर लिया करते थे। सो गाइस, आप लोगों को मैंने बताया पंप एंड डंप, इसी तरीके से ACC के साथ में उन्होंने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को, वीडियोकॉन को और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स को जीरो से लेके ऊपर एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा के लेके आया। अब आप क्या जानना चाहोगे, इसके पीछे एक छोटा सा आम आदमी जो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था, यस गुजराती दिमाग था सिर्फ, तो उसने एक ब्यूटीफुल सेटअप बनाया। तो आप सोचो, एक छोटा सा गुजराती मिडिल क्लास का बंदा इतना सारा पैसा कहां से लाता था, क्या रिसोर्सेस थे उसके वो पैसा लाने के लिए। पिक्चर तो उसको समझ में आ गया था, अपने लाइफ में, अपने करियर में ये जो 4-5 साल थे उसने पूरा ग्रो किया था, नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया था।
ये जो पैसा है कहां से लाता था, इकट्ठा कहां से करता था? क्योंकि पंप एंड डंप करना है तो पंप के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास कनेक्शन होना चाहिए, नेटवर्क वो तो बना लिया था। अब इसने यूज किया बैंक्स को, क्योंकि आपने उस टाइम पे 80s में आपने समझा होगा गवर्नमेंट्स के पास और बैंक्स के पास बहुत सारा रिजर्व में पैसा हुआ करता था, वो एज इट इज बैंक में रखा रहता था, ना किसी काम पे आता था, कुछ नहीं होता था, एज इट इज बैंक में रहता था। अब उसने दिमाग लगाया जो सिस्टम पे एक लूप होल्स था, छोटे स्टॉक को पैसा लेके आया और उसने ACC को और दो तीन पिक्चर से वीडियोकॉन, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज, इन सबको उसने जीरो से लेके ऊपर के लेवल तक 4,000% के आसपास की चाल दे दी। अब मेरा भाई आप सबसे क्वेश्चन है, आप दिमाग लगाओ कि जो पंप करता था वो कैसे करता था। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। उन्होंने ACC को रॉकेट बना दिया, 4,400% की रैली 3 महीने के अंदर दे दी। उन्होंने वीडियोकॉन को रॉकेट बना दिया, स्टरलाइट को रॉकेट बना दिया। तो गाइस दिमाग लगाओ, पैसा तो खूब बनाया, लेकिन अगर अभी भी मेरे को बड़ा सोचना है तो मेरे पास मजे की बात पैसा होना चाहिए। अब मेरे पास दिमाग था, राइट, मेरे पास गुडविल था मार्केट में, क्योंकि 3-4 साल में जो मैंने काम किया था बड़े बड़े रेपुटेशन बड़े लेवल पे, और अमिताभ बच्चन, स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन, ये जब उसको अच्छा पंप एंड डंप से ACC में पैसा बनाया, रॉकेट बनाया, वीडियो कॉल में पैसा बनाया, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज में पैसा बनाया, और ऐसे बहुत सारे स्टॉक थे उसके अंदर पैसा बनाया। अब आप दिमाग लगाओ, अगर बड़ा पैसा बनाना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो उसके पास दिमाग था, यस, उसके पास रेपुटेशन थी मार्केट में, यस, उसके पास गुडविल था, सिर्फ एक चीज की कमी थी बड़ा आदमी बनने के लिए, पैसा, पैसा। और वो ही पैसे को मार्केट में वो काम करते करते समझ गया था, अगर मुझे मार्केट को ऊपर लेके जाना है तो मेरे पास पैसा होना चाहिए जिससे कि मैं उस पर्टिकुलर काउंटर में सारे स्टॉक्स को अपने पास होल्डिंग कर लूं और कोई बेच ही ना पाए, यानी कि जो बीयर्स थे वो बेच ही नहीं पाएंगे क्योंकि मैं बेचना ही नहीं चाहता, सारा स्टॉक्स मेरे पास है, फंड की जरूरत होती है। और हर्षद मेहता जी ने उस फंड को कैसे मैनेज करा जाए उस पे काम करना चालू किया, और उन्होंने कैसे किया वो मैं आपको बताता हूं। सिंपल सा एग्जांपल, पहले जमाने में कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। पहले जमाने में जो कम्युनिकेशन ट्रांसफर होता था एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, उसमें बहुत टाइम लगता था, तो वो एक लूपहोल था हमारे मार्केट में, राइट। उस लूपहोल को मेहता जी ने अपने स्मार्ट ब्रेन से उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। कैसे उसने क्या किया, आपको याद होगा अगर आप कोई स्टॉक बाई करते थे उसका 15 डेज का सेटलमेंट टाइम होता था, तो उनको पता चला 15 डेज का मेरे पास टाइम आ रहा है, तो 15 दिन में अगर मैं किसी बैंक से, और उस जमाने में बैंकिंग एंड गवर्नमेंट सेक्टर के पास अकाउंट में पैसा भरा पड़ा रहता था और ऐसा खाली रहता था, वो कभी यूज नहीं करते थे। तो हर्षद जी ने यूज किया अपने गुडविल को, अपने रेपुटेशन को, बैंक के पास जाके बोला कि मुझे लोन चाहिए। वो जो लूपहोल था उस लूपहोल को गुजराती ने अपने दिमाग से उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। अब यहां से स्टार्ट हुआ एक्चुअल में असली गेम, ये जो स्कैम है। तो स्कैम के बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ चीजों को जान लेते हैं। RFD, रेडी फॉरवर्ड डी। तो अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअल गेम इसके पीछे क्या था, उसके लिए आपको एक टर्म स्कैम समझना पड़ेगा है क्या। इस केस में एक बैंक होता था और दूसरा बैंक होता था। जब फर्स्ट बैंक को पैसे की जरूरत होती थी अपने ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ऑपरेशन कॉस्ट को यूटिलाइज करने के लिए, तब ये बैंक दूसरे बैंक को पैसा मांगता था, और ये जो फर्स्ट बैंक है उसके बदले पैसा मांगने अपने सिक्योरिटीज को बेचता था, गिरवी रखता था, और उसको अपने फर्स्ट बैंक सिक्योरिटीज बेचता है अपने, और वो सिक्योरिटीज ब्रोकर के माध्यम से बेचा जाता है। तो वो जो ब्रोकर, वो फर्स्ट बैंक अपने सिक्योरिटीज बेचेगा, BR नोट्स देगा उसको, वो ब्रोकर को देगा, ब्रोकर जाएगा सेकंड बैंक के पास और अप्रोच करेगा कि XYZ बैंक ने अपने BR नोट्स दिए, इसके बेसिस पे आप फंड रेज करें। और वो बैंक का काम होता था, सेकंड बैंक का काम होता था वो डायरेक्ट
जिस बैंक का बीआर नोट्स गए थे उस बैंक को पैसा देगा, लेकिन यहां पे हर्षद मेहता ने इस लूप होल्स को पकड़ लिया क्योंकि ये एक ब्रांड था, एक रेपुटेशन था, इन्होंने मार्केट में अपना गुडविल तैयार किया था और हर एक बैंक को पैसा कमाने के लिए इंटरेस्ट कमाना होता है, तो उनका ये लालच था। इस वजह से हर्षद मेहता जी ने क्या करना चालू करा, इस लूपहोल को उसने समझ के उसने प्रॉमिस किया बैंक को कि मैं आपको ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा तो आप क्या करें, आप मेरे अकाउंट पे पैसा दे दो। और गुडविल था, रुतबा था, सब कुछ था। बैंक टू ने अपना जो रिसिप्ट्स के बदले जो रिसिप्ट्स दे के पैसे लेते थे वो सारा पैसा हर्षद मेहता जी के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करना चालू कर दिया और इसी प्रोसेस को उन्होंने स्टार्ट किया छोटे छोटे बैंक से। धीरे 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 जब उनको पता चला कि पैसा और चाहिए उन्होंने और चार पांच बैंक, बहुत सारे बैंकों को छोटे-छोटे इकट्ठा किया और उसके बाद एसबीआई के पास भी गए और इसको करते 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 उन्होंने एक फेक रिसिप्ट्स का भी माध्यम अपना लिया क्योंकि उनको फिर वही विजन था कि मुझे और बड़ा करना है। फेक रिसिप्ट्स के माध्यम से अब मान लो किसी सेकंड बैंक को पैसा चाहिए तो वो क्या करते थे कि जब भी इनको सेकंड बैंक को पैसा चाहिए होता वो थर्ड बैंक के पास पैसा जुटा के सेकंड बैंक को दे देते थे, फिर थर्ड बैंक को चाहिए फोर्थ बैंक के पास जाके उसको दे देते थे। इस तरीके से जो सारा ट्रांजेक्शन था उनके अकाउंट में था और वो सारा पैसा मार्केट में पंप करते थे, जिसके वजह से आपने सुना होगा एसीसी का शेयर 4400% का आरओआई विद इन 3 to 4 months के अंदर देखा है। और गाइस इसी रेपुटेशन में उन्होंने फेक रिसिप्ट्स बनाने चालू कर दिए तो छोटे बैंक से बोल पाते नहीं थे, अच्छा खासा उनको इंटरेस्ट दिया जा रहा था तो उन्होंने क्या किया, जो पीआर नोट्स होते थे वो फेक बनाने चालू कर दिए और उस फेक नोट्स को अपने पास कई टाइम लोन लेने के बावजूद भी देते नहीं थे, दिखाते नहीं थे, अपने पास ही रख लेते थे। तो बाद में ये चीज एसबीआई के एम्प्लॉय के माध्यम से पता चला कि जब आरबीआई का इन्वेस्टिगेशन हुआ तब पता चला कि एसबीआई में 400-500 करोड़ रुपए के बीआर रिसिप्ट तो है ही नहीं, तो ये पैसा गया कहां? हर्षद मेहता जी के पास था तो हर्षद मेहता जी के पास वहां से ब्लास्ट हुआ, ये स्कैम के बारे में पता चला और इसी बीच में सुचिता दलाल जी की एंट्री हुई और उन्होंने धीरे धीरे, सोचो छोटा सा रिपोर्टर, उन्होंने धीरे धीरे स्कैम के अंदर घुसे और एक एक चीज को एक्सपोज किया। और इस एक्सपोज में मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था क्या किसी एक बंदे के हाथ में था, तो इस स्कैम में बहुत सारे ऐसे बंदे थे जो जुड़े हुए थे जिन्होंने बहुत सारा मोटा पैसा बनाया था और इस रैली में इस तेजी में रिटेल ट्रेडर ने भी भर भर के पैसा बनाया। और मजे की बात, जब ये रिसिप्ट इनकी पकड़ी गई, जो स्कैम पकड़ा गया, इसमें विजय बैंक के जो चेयरमैन थे उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके अलावा इसमें जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे जैसे चिदंबरम साहब थे हमारे, उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, जेल से छूटने के बाद जब ये एलिगेशंस लगे और जेल से छूटने के बाद इन्होंने एक ब्राइब का भी बताया था कि नरसिम्हा राव, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, उनको मैंने 1 करोड़ रुपीज की ब्राइब दी थी, लेकिन ये एलिगेशंस बाद में प्रूफ नहीं हो पाए, बाद में समझ में नहीं आया कि कहां से हुआ, कोई प्रूफ नहीं दे पाए, इसके वजह से ये भी बैकस्टेप हो गया। सो इसके बाद हर्षद मेहता जी की जेल में ही आपातकालीन मृत्यु हो जाती है, कार्डियो का अटैक पड़ के हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और उन क्वेश्चंस के कुछ आज भी कोई जवाब नहीं, यानी कि अनसुलझे क्वेश्चंस हैं कि जो एक बड़ा कार्टल था इसके पीछे वो कौन थे, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने भर भर के पैसा बनाया था, जितनी अंदर धंसते चले गए हर्षद मेहता जी और लोगों ने उनका साथ छोड़ता चले गए और जेल में अब वो 500-600 करोड़ रुपए कहां गए जिसका हमें बीआर नोट्स नहीं मिले थे। सो गाइस इसके पीछे, सिस्टम के पीछे कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, आज भी ये सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं आपके और मेरे बीच में अभी भी चल रहे हैं। लेकिन मजे की बात, 1992 में सेबी को रेगुलेटरी पावर मिली गई, सेबी को पावर मिली गई इस पूरे स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग को रेगुलेट करने के लिए, राइट? और आप मजे की बात समझना, इस स्कैम ने जो बुल कार्टल था उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखाया, यस मार्केट में दम है, अगर आप सही तरीके से अप्रोच करोगे मार्केट यहां से और ऊपर तक ले जा सकता है। और आज भी आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने सोचते हो वो भी विद
प्रॉपर सेफ्टी के साथ, प्रॉपर तरीके से साथ। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, क्या आज भी इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होती है? क्या आज भी बड़े ऑपरेटर्स मार्केट को नहीं चलाते हैं? क्या आज भी बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है? क्या आज भी बड़े बड़े डील्स के जो न्यूज होते हैं वो बैकएंड से किसी के पास नहीं पहुंचाए जाते हैं? सब होता है, सब सिस्टम का पार्ट है। आपको दिमाग लगाना है कि मार्केट में अगर आपको अप्रोच करना है तो आपको कैसे अप्रोच करना है। तो हर्षद मेहता जी के स्कैम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि भैया अगर पैसा है तो आप पैसा बनाओगे। सो गाइस, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं, आवर मोटो फर्स्ट लर्न एंड देन अर्न। किस तरीके से बड़े ऑपरेटर्स मार्केट में आपको ट्रैप करते हैं, यानी कि जो बियर कार्टल्स हैं वो किस तरीके से आपको फंसाते हैं, क्योंकि जो हमारा इंडियन मार्केट बना है, जो इंडियन मेंटेलिटी है गाइस, वो इन्वेस्टिंग का अप्रोच है। अगर आपसे मैं बाई करने का बोलूं, आप बिल्कुल बिंदास बाई करोगे, और अगर मैं आपको शॉर्ट सेलिंग का बोलूं तो आप डरते हो, आप घबराते हो। तो इसी का फायदा बियर कार्टल्स यूज करते हैं। सो आइए सीखते हैं स्टॉक मार्केट की दुनिया में। थैंक यू सो मच, आपका भी और मेरा भी, एंड थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। जय।